प्रकृते गुण सम्मुडा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृतस्न विद्मन्दान कृतस्न वित न विचालये। वे मनुष्य जो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित होकर फल प्राप्ति की कामना के साथ अपने कर्म करते हैं, लेकिन बुद्धिमान पुरुष जो इस परम सत्य को जानते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए जिनका ज्ञान अल्प होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रकृति के तीनों गुणों से प्रेरित होकर अज्ञानी व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, वे फल की इच्छा से ही कार्य करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञानी मनुष्य को कभी भी अज्ञानी मनुष्य को विचलित नहीं करना चाहिए, अर्थात उसे अपने विचारों को उस पर थोपना नहीं चाहिए कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो और तुम्हारा कार्य करना निरर्थक है, अतः कार्य को त्याग दो। बल्कि इसके विपरीत उसे अज्ञानी व्यक्ति को नियत कर्म करने का उपदेश देना चाहिए, जिससे धीरे धीरे उसे आसक्ति से ऊपर उठने में सहायता मिल सके। अतः ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह इस कार्य पर अपना मूल्यवान समय नष्ट ना करे और अज्ञानी मनुष्य को विचलित ना करे। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं, फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो कि मानवता के लिए परम आवश्यक है।